नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सरसों के तेल की जहां सेहत सुधारने में अहम भूमिका होती है, वहीं पर आपके भाग्य को बदलने की ताकत भी होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सरसों के तेल के छोटे छोटे उपाय अगर आप नियमित रूप से प्रयोग में लाते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, सरसों का थोड़ा सा तेल आपकी कुंडली के सभी दोषों को जहां दूर कर देता है, वहीं आपकी लाइफ में चमत्कारी बदलाव भी लेकर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सरसों के तेल के कुछ ऐसे ही प्रयोग बताएंगे जिन्हें करने से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में ज्यादातर समस्याएं तो आपके ग्रह दोषों की वजह से ही आती हैं, जो आपकी कुंडली में विपरीत योग बनाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली के सभी दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के दोष दूर हो गए तो आपकी आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। मान्यता के अनुसार दोस्तों, सरसों का तेल का टोटका बहुत ही कारगर होता है, जो कि आपकी कुंडली के सभी दोषों को खत्म कर देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, मंगल दोष है या फिर कोई भी परेशानी है तो वह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल से बनी हुई सब्जियां अगर आप खाते हैं तो शनि दोष और मंगल दोष तो यूं ही खत्म हो जाता है, और जातक का शनि मजबूत भी होता है। साथ ही सांस फूलने की बीमारी भी जो होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, बृहस्पति दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इसके लिए आपको अपने शरीर पर नियमित रूप से सरसों का तेल थोड़ा बहुत जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो इसकी मालिश करें, अन्यथा आप जो है इसका थोड़ा बहुत अपने हाथों पर या पैरों पर इसका लगा लें। इससे आपके बृहस्पति दोष और मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं यानी व्यापारी हैं और आपको धन लाभ चाहिए तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। दोस्तों, सरसों के तेल से बनी सब्जी खाने से शनि देव जहां एक और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं सरसों के तेल में बनी हुई सब्जियां अगर आप मजदूरों को दान कर देते हैं तो आपके व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से यानी कि एकदम से तेजी देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर आपके जो कार्य क्षेत्र है यानी आपकी दुकान है या फिर कहीं आप नौकरी करते हैं तो वहां पर जो आपके उच्चाधिकारी जो होते हैं यानी जो आपके ऑफिसर हैं, जो आपसे ऊपर की पोस्ट पर हैं या फिर जो आपके साथ काम करने वाले जो जिन्हें सहकर्मी कहते हैं, उनका अगर आपको सहयोग नहीं मिलता है तो आप उन्हें भी ये खिलाएं, यानी कि सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी खिलाएं। इससे आपको उनका साथ भी मिलने लगेगा और प्रमोशन के आसार भी बनेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से यानी लगातार दिन बना लीजिए, हफ्ते में एक दिन या फिर हफ्ते में दो दिन ऐसा आप लगातार दान करते रहते हैं मजदूरों को, गरीबों को सरसों से बनी हुई सब्जियां, तो आपके व्यापार में लगातार उछाल आने लगता है। और अगर आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात लेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।